बच्चों क्या हालचाल। तो आज आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट लेक्चर मैं लेके आ गया स्टीरियो आइसोमर्स, और थोड़ा सा मेरा रूप आज बदल गया है। आज स्टीरियो आइसोमर्स का हम इंट्रोडक्शन पूरा देखेंगे कि ये किस तरह की आइसोमेरिज्म है। अभी तक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देख रहे थे, आज स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। और इसके अंदर आज एक टॉपिक बहुत ही खूबसूरत सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम पढ़ेंगे, और उसके अंदर चीजें लिखी हैं सिस ट्रांस सिन एंटी ई जेड। तो डिटेल में पढ़ेंगे बढ़िया से एकदम जैसे हमेशा करते हैं। तो मेरा नाम अलख पांडे, हमारा आपका या आपका और सिर्फ आपका एक प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। तो भाई साहब बात होगी आज स्टीरियो आइसोमर्स की। ओए होए किसकी बात है रे, स्टीरियो आइसोमर्स की। बच्चों ये स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में मैं बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखूंगा। अच्छा, आइसोमर्स क्या होते थे? विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और हम बोलते थे डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पर ये ऐसे नहीं होते। स्टीरियो आइसोमर्स की बात करो तो दे हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भैया, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। तो फिर डिफरेंट क्या होगा? दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप। अभी तक आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ रहे थे, जितने भी आपने पढ़े थे स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर चेन पोजीशन टॉटोमर्स मेटामर्स जितने भी वो पढ़े थे उधर, उन सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था बट स्ट्रक्चर डिफरेंट था। यहां स्ट्रक्चर भी सेम है, मतलब क्या? थोड़ा और सर डिटेल में समझाइए, लिखी हुई लाइन समझ। जैसे मान लो मैं आपको एक कंपाउंड दिखाऊं ए बी सी डी, इसका मैं एक आइसोमर बनाता हूं ए बी डी सी। बच्चों ऐसे आइसोमर को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चर में फर्क आ गया, एटम्स की पोजीशन रिलेटिवली चेंज हो गई, या ऐसे बोलो बॉन्ड चेंज हो गए। ये सी और डी का बॉन्ड ऐसे था, सी ने बी से बॉन्ड बनाया था और डी से, इस बार सी ने सिर्फ डी से बॉन्ड बनाया और डी ने बी से और सी से। ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आप जितने भी देखो चेन पोजीशन मेटामर्स टॉटोमर्स जितने भी रिंग चेन, उन सब में आप देखो एटम्स का पूरा पूरा पोजीशन अरेंजमेंट स्ट्रक्चर चेंज हुआ। मान लो अब मैं आपको एक आइसोमर बना के दिखाऊं ए बी सी डी, एक मान लो ये है और इसका आइसोमर ए बी सी डी, क्या इन दोनों में स्ट्रक्चर में कोई फर्क आया है? स्ट्रक्चर जो होता है जो बोन है, क्या स्केलेटन में उसके कोई फर्क आया? नहीं, ए डी ए बी सी डी ए बी सी वैसे ही जुड़ा हुआ है डी ए बी सी डी ए बी सी, पर स्पेस में एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है। स्पेस में देखो दो एटम ऊपर की तरफ, स्पेस में एक एटम ऊपर एक एटम नीचे। इस तरह की जो कुछ आइसोमेरिज्म होगी वो स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर काउंट होगी। सिर्फ ये तो एक छोटा सा उदाहरण है बच्चों, छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे बहुत सी चीजें होंगी। मैं आपको एक बेसिक समझा रहा था कि क्या था, लिखा है ना सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर भी सेम है, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम, स्पेस में अरेंजमेंट चेंज होगा तब बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, और वो थी स्ट्रक्चरल, मतलब उससे इंटायरली डिफरेंट है। स्टीरियो आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स। प्रॉपर्टीज की बात करें तो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, तभी तो आइसोमर्स हैं, कुछ तो अलग होगा इनकी फिजिकल और केमिकल, या कभी कभी लाइट के तरफ इनकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, देखेंगे धीमे धीमे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक डिटेल्ड टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है। जरा मैं दिखाता हूं इसके अंदर क्या क्या आएगा और कैसे कैसे हमें इसको डील करना है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बच्चों स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह के आपको देखने हैं, एक आपको देखना है कन्फिग्यूरेशनल
और एक आपको देखना है कन्फर्मेशनल, कन्फिग्यूरेशनल और कन्फर्मेशनल। डिफरेंस क्या है? ये जो आइसोमर्स होते हैं वो सेपरेबल होते हैं, मतलब दो आइसोमर्स को आप सेपरेट कर सकते हो किसी फिजिकल टेक्निक से या किसी केमिकल टेक्निक से। कन्फर्मेशनल हमारे बच्चों नॉन सेपरेबल है, यानी कन्फर्मेशनल आइसोमर है मान लो किसी चीज के, दो तीन कन्फर्मेशनल आइसोमर, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल टेक्निक या केमिकल टेक्निक से। इसके बारे में तो हम काफी बाद में पढ़ेंगे, हम फिर से कन्फिग्रेशनल के अंदर घुसते हैं। कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स दो तरह के हमको बच्चों मिलने वाले हैं, एक मिलेंगे इनैंशियोमर्स, कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं ये, और एक होंगे डायस्टीरियोमर्स, एक होंगे इनैंशियोमर्स, एक होंगे डायस्टीरियोमर्स। डिफरेंस क्या है? इनैंशियोमर्स जो होते हैं बच्चों वो आपस में मिरर इमेज होते हैं, दो आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, वो बनेगा अपना इनैंशियोमर्स। और डायस्टीरियोमर्स बच्चों नॉन मिरर इमेज, जब दो आइसोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो तो वो डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डायस्टीरियोमर्स का मतलब सिंपल इतना है, दो ऐसे आइसोमर्स जो स्टीरियो हो, मतलब पहली बात तो स्पेस में कुछ चेंज हो, स्ट्रक्चरल नहीं होने चाहिए, स्ट्रक्चरल नहीं होने चाहिए। डायस्टीरियोमर्स का मतलब ये नहीं स्ट्रक्चरल, नहीं नहीं नहीं, स्टीरियो तो होने चाहिए, बस नॉन मिरर इमेज हो, और इनैंशियोमर्स मिरर इमेज में। अब आप कहोगे सर हमने तो दो तरह के स्टीरियो आइसोमेरिज्म सुना था, या आपने भी बताया था, एक बताया था ज्योमेट्रिकल, सुन रखा होगा आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और एक अपने ऑप्टिकल आइसोमर्स। बेसिकली दो ही तरह के निकलेंगे लास्ट में, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, पढ़ना हम लोग को ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल है। तो वो कहां पे फॉल करते हैं इस कहानी में, इसमें इसमें देखो, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो डायस्टीरियोमर्स में फॉल करते हैं। डायस्टीरियोमर्स के अंदर हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जी आई, और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स ओ आई। और ऑप्टिकल आइसोमर्स बच्चों यहां पे भी पाए जाते हैं और यहां पे भी, यानी इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है और इसके अंदर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगी। ठीक है, डिटेल हो गया ना, कॉपी कर लो इसको, पहले याद करना पड़ता है इसको, मुझे पता है याद करना पड़ता है, क्यों झूठ बोल रहे हो, पर कॉपी करो काम आएगा। जैसे एग्जाम में सवाल आता है कि वन एंड टू आर, दो तीन डायग्राम बना दिए उन्होंने, बोला वन एंड टू आर, पता ये नहीं देखा, वन एंड टू आर इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, टॉटोमर्स, ऐसे फंसाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आइसोमर्स कहां से निकल रहा है। आज का हमारा टॉपिक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है पूरा पूरा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स कैटेगरी से आते हैं, यानी नॉन मिरर इमेज। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। ऑप्टिकल आइसोमर्स मिरर इमेज हो भी सकते हैं, मिरर इमेज नहीं भी हो सकते। ये एक बात ध्यान से सुनो, बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऑप्टिकल आइसोमर्स मिरर इमेज हो भी सकते हैं, मिरर इमेज नहीं भी हो सकते, पर ज्योमेट्रिकल कभी भी मिरर इमेज, यानी डायस्टीरियोमर्स के अंदर दोनों आ सकते हैं, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी। नोट कर ले इतना, फिर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करें। कैसे हैं आप लोग, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अपने प्यारे से मार्कर को थोड़ी सी इंक पिला दूं, मार्कर इंक पी लो। ओके चलिए भाई साहब, ओके मिटा दूं बच्चों इसको। ओके तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जीआई के नाम से जाने जाते हैं। मैं बिना कुछ बताए आपको दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना के दिखाता हूं। सी डबल बॉन्ड सी, सी एल
एच सी एल एच सी डबल बॉन्ड सी सी एल एच सी एल एच वन कॉमा टू डाइक्लोरोइथीन वन कॉमा टू डाइक्लोरोइथीन। बच्चों ये और ये क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं? नहीं, स्ट्रक्चरल तो नहीं है। क्लोरीन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से क्लोरीन, क्लोरीन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन मतलब स्ट्रक्चर तो सेम है, स्पेस में कुछ डिफरेंस दिख रहा। बच्चों इस वाले को हम बोलते हैं सिस आइसोमर और इस वाले को बोलते हैं ट्रांस। अभी डिटेल में चलेंगे, पहले इंट्रोडक्शन तो लो कि पढ़ना क्या है। जब सेम तरह के एटम सेम साइड में हो तब बोलो सिस, जब सेम तरह के एटम ऑपोजिट साइज में हो तब बोलो ट्रांस, सिस ट्रांस। तो कई बार जीआई को, कई बार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, सिस और ये ट्रांस। अभी समझाएंगे कि है क्या सिस और ये ट्रांस। जैसे कॉपी कर लिया, जैसे मान लो मैं यहां पे लगा दूं CH3 और यहां पे भी लगा दूं CH3, यहां पे लगा दूं CH3, यहां पे लगा दूं CH3। बच्चों अब ये बन गया ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। तो इसको हम बोलेंगे सिस ब्यूट टू इन, इसको बोलेंगे ट्रांस ब्यूट टू इन। जब आप ऑर्गेनिक में अच्छे रिएक्शंस पढ़ोगे तो एग्जाम में लिख के आएगा द रिएक्शन ऑफ ट्रांस ब्यूट टू इन विथ फलाना कंपाउंड, द रिएक्शन ऑफ सिस ब्यूट टू इन विथ दिस कंपाउंड। तो आपको समझना पड़ेगा कि सिस कैसे बनता है और ट्रांस कैसे बनता है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? अच्छा अब बात आती है कि सर क्यों इसको आइसोमर्स बोलते हैं? क्या ये दोनों फॉर्म सेम तो नहीं? क्या ये दोनों फॉर्म्स, मतलब मैं एक बहुत ही जेन्युइन सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं, ध्यान से देखना कि अगर सर आप ऐसा बोल रहे हैं तो क्या सर हम CH2 CH2, क्या सर जी हम CH CH H Cl H Cl, क्या सर हम इसको सिस बोल सकते हैं? कार्बन की चार वैलेंसी, एक दो तीन चार, ठीक है। क्या इसको हम सिस बोल सकते हैं और इसको हम ट्रांस बोल सकते हैं? बहुत ही जनरल सवाल सभी बच्चों के मन में, सर तो फिर ये सिस हुआ ये ट्रांस? नहीं बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है डबल बॉन्ड का होना, हमेशा हो ये तो नहीं कहूंगा मैं, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है डबल बॉन्ड का होना। अगर डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा तो जीआई नहीं होगा जनरली, अदरवाइज दिखाएंगे तो हम बहुत कुछ, बट जनरली डबल बॉन्ड गिव्स बर्थ टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड इज द फादर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का होना। क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, आइए देखते हैं। सिंगल बॉन्ड में नहीं होता, वो हो भी नहीं सकता। आइए डबल बॉन्ड में दिखाएं कैसे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बहुत प्यारा। शायद मैंने आपको सिग्मा पाई बॉन्ड जब पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर तब ये पॉइंट लिखवाया था कि पाई बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, शायद बोल रहा हूं मैं, पढ़ाया था मुझे याद है, आपको याद शायद हो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है ये देखते हैं। सी यहां पे डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी सी एल सी एल एच एच, ये था। जरा इसको मैं ऑर्बिटल्स बनाता हूं इसके अंदर सारी, इसमें एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा 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 सिग्मा, सही है, ऐसा ही होगा। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, कार्बन ने एक दो तीन तीन सिग्मा बनाए बच्चों, तीन सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, क्लियर है ना। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा होते हैं, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, और कार्बन ने तीन सिग्मा का हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2 में अपना जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री,
याद होगा, और जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर कह लो, ट्राइगोनल प्लेनर की जगह ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर यानी प्लेन में होती है और ट्रायंगुलर, ट्रायंगल के शेप में 120 डिग्री। जरा बना के दिखाता हूं इसी को, बनाऊ, ओके, तीन सिग्मा थे, ठीक, ये कार्बन, ये एक ऑर्बिटल sp2 वाली, एक ऑर्बिटल sp2 वाली, ये हुई हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, बना सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अब प्लेनर है, प्लेनर मॉलिक्यूल सब प्लेन में बनाना चाहिए ऐसे, इसी प्लेन के अंदर मिलेंगे सब, बहुत बढ़िया, प्लेन बन जा। हाँ, अब इससे क्या लगा था, एक क्लोरीन, तो इधर से और यहां से क्लोरीन की ऑर्बिटल, और यहां से हाइड्रोजन की एस ऑर्बिटल, इधर भी क्लोरीन की पी ऑर्बिटल और हाइड्रोजन की एस ऑर्बिटल, ये तीनों प्लेन में, इस प्लेन में है, है ना, समझ रहे हो, ये समझ लो ये एक प्लेन, मैं कॉपी उठा लेता हूं, ये इसमें है, ये कार्बन, ये कार्बन, इधर अपना हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन, समझ गए होगे, मतलब इसी प्लेन के अंदर कहानी है, कोई क्लोरीन ऊपर नहीं खड़ा, कोई हाइड्रोजन नीचे नहीं गिर रहा, प्लेनर ज्योमेट्री, ट्रायंगुलर प्लेनर, कार्बन कार्बन, क्लोरीन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन, ठीक है, प्लेन के अंदर है, ठीक है, बाकी सिस ट्रांस तो हो सकता है। अच्छा, अब अभी ये सिग्मा बना, आपने देखा कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बनाया था मैंने, तो दूसरा बॉन्ड बच्चों पाई बनता है, एक सिग्मा तो अगला बॉन्ड पाई, ये प्लेन के ऊपर, प्लेन के नीचे, ये प्लेन के ऊपर, प्लेन के नीचे, ट्रम रे टू, ट्रम रे टा, ऐसे ये बन गया पाई बॉन्ड। अब भाई साहब, अगर मैं एक कार्बन को पकड़ लूं तो क्या दूसरा कार्बन आप घुमा सकते हो? नहीं घुमा सकते, अगर घुमाओगे तो चेंग पाई बॉन्ड टूट जाएगा, फील आया, फील आया पाई बॉन्ड, इसको पकड़ो, इसको ये जब घूमेगा कटक, तो पाई बॉन्ड अपना ब्रेक कर जाएगा। भाई साहब एक को पकड़ा हुआ है, ये भी तो सोचो, दोनों को नहीं, ये नहीं ऐसे थोड़ी ना, सर हम दोनों पकड़ के ऐसे जुम 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 घुमा देंगे, ये नहीं, एक को पकड़ के अब इसको कोशिश करो घुमाने की, तो जब ये ऊपर आएगा तो यहां से एक टक टूट जाएगा, यानी यहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। अगर रोटेट हो जाता, अगर रोटेट हो जाता तो ये हाइड्रोजन यहां आ जाता, तब सिस ट्रांस की बात ही नहीं होती, वही सिस होता वही ट्रांस, रोटेट नहीं हो पा रहा, इसलिए यह कंपाउंड और यह कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड हैं, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। अगर यह कंपाउंड हमें दिया है जो कि आप जान गए हो ट्रांस है, और इसका कोई रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन के दौरान यह बॉन्ड घूम नहीं पा रहा, जिसकी वजह से इसका रिएक्शन इसके रिएक्शन से डिफरेंट होगा, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, विच इज अगेन ड्यू टू पाई बॉन्ड, विच इज अगेन ड्यू टू डबल बॉन्ड बोल लो या पाई बॉन्ड, सिग्मा की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको पकड़ के अगर मैं घुमाता और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता, इसको पकड़ के इसको घुमाता सिर्फ सिग्मा होता, घूम जाता, घूम जाता, तो क्लोरीन के सामने क्लोरीन भी होता, क्लोरीन के सामने हाइड्रोजन भी होता, सिस ट्रांस की बात करते ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि सिंगल बॉन्ड वाले में ये खेल नहीं खेलेंगे, सी एच सी एच सी एल एच सी एल एच यहां। अब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, हाइड्रोजन को तो गोली मारो यार, हाइड्रोजन को यहां साइड में रख लो, इसको इधर रख लो। अगर इन दोनों कार्बन के बीच में देखो तो ये सिग्मा बॉन्ड है। अब सोचो इसको पकड़ के इसे घुमाऊं, तो ये चेन ऐसे बंधी हुई है, टुक टुक टुक, एक को पकड़ घुमाओ दूसरा, सिग्मा बॉन्ड के अगर ये पाई ना होता, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, इसको पकड़ते इसे घुमाते इसके अबाउट के घूम जाते, तब रोटेशन पॉज। दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड ज्योमेट्रिकल What? Restricted rotation about pi bond. Clear हुआ? Pi bond plane के ऊपर, plane के नीचे है। बाकी ये तीनों sp2 hybridized orbital हैं। अगर hybridization में problem है, तो YouTube पे type करें hybridization, साथ में लिखें physics वाला और मेरा एक प्यारा सा video देख लें। Clear होगी? Restricted rotation about pi bond. बहुत बढ़िया।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको। ओके, तब आप समझ गए कि क्यों सिस और ट्रांस को अलग अलग कंपाउंड बोल रहे हैं, क्योंकि वो रोटेट होके सेम कंपाउंड नहीं बनते। अगर रोटेट होके बन जाते तो बच्चों इनका नाम पड़ता रोटोमर्स, रोटोमर्स कंफर्मेशनल आइसोमर्स। जो ये जो कंपाउंड बनाया ना, ये आइसोमेरिज्म शो करेगा बच्चों, ये कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेगा, बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये घूम जाएगा। जो घूम जाता है वो बनता है कंफर्मेशनल, मतलब सिंगल बॉन्ड पे होती है कंफर्मेशनल। वो तो आज का टॉपिक ही नहीं है, रोटोमर्स, रोटोमर्स तो पढ़ना नहीं। तो अपन को जीआई पढ़ना था, और जीआई का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि पाई बॉन्ड होना चाहिए। पाई बॉन्ड से मिलता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंट है, पाई बॉन्ड या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है तभी दोनों ग्रुप ऐसा नहीं कि स्विच हो सकते हैं इजिली, अलग अलग कंपाउंड है। वही क्लोरीन सी डबल बॉन्ड सी सी एल सी एल एच एच, ये अलग कंपाउंड है। सी डबल बॉन्ड सी सी एल सी एल एच एच, ये अलग कंपाउंड है, क्योंकि ये घूम कर ये नहीं बन सकता। क्लियर? चलिए, अब आपको इतना आ गया। चलिए अब आप एक काम करिए, क्वेश्चन ड्रॉ सिस ट्रांस, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं अभी, धीमे धीमे आएंगे सारे टॉपिक। सिस ट्रांस फॉर पेंट टू इन, तो पहली बात क्या, पेंट टू इन, पेंट टू इन की जगह पहले हेक्स थ्री इन का बनाओ, ऑफ हेक्स थ्री इन, हेक्स थ्री इन के सिस ट्रांस। जल्दी से बनाएं, पॉज करके वीडियो को, 1 2 3 4 अरे गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलो भैया हम बनाने जा रहे हैं, तो हेक्स थ्री इन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड, हेक्स थ्री इन। हाइड्रोजन लगाएंगे यहां सी एच थ्री, यहां सी एच टू, यहां एच, यहां सी एच टू, यहां सी एच थ्री। तो अगर मैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन को उठा लूं, इस कार्बन से एक तरफ हाइड्रोजन लगा है और एक तरफ ग्रुप लगा है ये पूरा, इस कार्बन से एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ पूरा ये ग्रुप, ये ग्रुप है C2H5, ध्यान से देखो C2H5। इस कार्बन की बात करूं तो एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ये ग्रुप C2H5, कौन सा आइसोमर बन गया, सिस बन गया, सिस हेक्स टू इन का रिएक्शन ट्रांस हेक्स टू इन से अलग होगा, अलग होगा। ये समझ में आ रहा है कि दोनों अलग अलग कंपाउंड है, सेम नहीं है, अब ये इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, क्योंकि ये ग्रुप फ्लिप नहीं हो सकते, फ्लिप करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड को हिलाने के लिए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, बहुत इजीली मिल जाती सराउंडिंग से, वो तुरंत फ्लिप कर जाता। अगर यहां सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता तो वो सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब कर घूम जाता, पता ही नहीं चलता कि सिस है कि ट्रांस है। अगर एक बार सिस मिला है तो वो सिस है, अपनी सराउंडिंग देख के अचानक से बदलेगा नहीं, बहुत एनर्जी चाहिए, कोई बहुत अच्छा रिएक्शन चाहिए, यानी दीज आर डिफरेंट कंपाउंड। मिटा दें, ओके। अब आप जरा बताइए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ड्रॉ सिस ट्रांस, मैं बना के दिखाता हूं, फिर उसके बाद पेन टू इनका आप खुद से बनाएंगे। सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री एच, सी डबल बॉन्ड सी सी टू एच फाइव और एच, बंद हो गया पेन टू इन, 1 2 3 4 5 पेंट टू इन, है ना, 1 2 3 4 5 पेंट टू इन। तो बच्चों ये हो गया सिस। अब आप बोलोगे सर यहां पे दो ग्रुप अलग अलग है, कोई बात नहीं, दो ग्रुप तो सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिस पेंट टू इन, देखते जाओ सब आ जाएगा, रो मत अभी कि ये नहीं आया वो नहीं आया, सब आएगा। सिस पेंट टू इन, सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी टू एच फाइव, तो ये एल्काइल ग्रुप तो इस बार अलग अलग है, पर हाइड्रोजन की वजह से सिस ट्रांस, यहां दोनों हाइड्रोजन एक तरफ सिस, दोनों हाइड्रोजन अलग अलग तरफ, तो ट्रांस, सिस ट्रांस। क्लियर है? सिस ट्रांस, सिस पेंट टू इन, ट्रांस पेंट टू इन। क्लियर? मिटा दे, ओके। सिस पेंट टू इन, ट्रांस पेंट टू इन, अब इसको मिटा दें तो क्लियर हो गया आपको। अच्छा चलो और देखते हैं भाई साहब। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री एच एच, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? दो एच एक तरफ नहीं, कार्बन से देखना है, डबल बॉन्ड के अबाउट, यहां यहां सेम ग्रुप हो या यहां यहां, मतलब सेम ग्रुप,
यहां तो यहीं पे सेम ग्रुप होगा, कोई फर्क ही नहीं, इसका ट्रांस भी ऐसे ही बनेगा, सिस भी ऐसे ही, इसका कोई सिस ट्रांस नहीं होगा। यानी अगर एक कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम लग जाएं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इम्पॉसिबल है। सी डबल बॉन्ड सी सी एल सी एल सी एच थ्री और एच, क्या ये शो करेगा? कैसे? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन इधर, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन इधर भी, क्या करोगे? इसको घुमा के दूसरा वाला बनाओगे सीएल ऊपर, फिर भाई ये भी सिस ट्रांस शो नहीं। मतलब दोनों कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। लिख लो द टू ग्रुप्स, टू एटम्स या जो बोलो, टू ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। भाई साहब अगर सेम हो गया तो जीआई का सवाल ही नहीं, मस्ट बी डिफरेंट। देखना जरा, सी डबल बॉन्ड सी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम क्लोरीन का आइसोटोप, चलो उधर ले लिया, इधर ले लेते हैं सी एच थ्री और इधर ले लेते हैं सी टू एच फाइव, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? आंसर है यस, क्योंकि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, आइसोटोप्स हैं। अब कहोगे सर इसमें कुछ भी सेम नहीं है, कैसे सिस ट्रांस होगा, वो हम छोड़ दो, कंडीशन सिर्फ इतनी है टू ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। आपको लग रहा है इसमें सिस ट्रांस नहीं हो सकता, आप सही सोच रहे हो, इसमें ई जेड होगा, अभी ई जेड भी लिखा था शुरू में, तो इसमें ई जेड होगा। पर अगर दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कहानी खत्म। यहां पे सेम नहीं, डिफरेंट है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तब भी जीआई हो सकता है, तीन डिफरेंट हो, चार डिफरेंट हो सकता है, शो करेगा ये, अभी दिखाऊंगा आगे। खैर कंडीशन आपने लिख ली, चलिए पहले भी बेसिक क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम लेते हैं जाने क्या रंग लाएगा ब्यूटूइन, बड़ा फेमस है, 1.4 डायओइक एसिड, ब्यूट टू इन 1.4 डायओइक एसिड, ब्यूट मतलब दो चार कार्बन, 1.4 डायओइक एसिड, सही है, एक दो तीन चार, ब्यूट टू इन 1.4 डायओइक एसिड, ये सिस फॉर्म, ये बच्चों हो गया ट्रांसफॉर्म, सही है, बढ़िया, एक दो तीन चार ब्यूट टू इन 1.4 डायओइक एसिड। इसके सिस फॉर्म को हम बोलते हैं मैलिक एसिड, कुछ डेटा आ रहा है साथ में लिखते चलो, मैलिक एसिड, और इसके ट्रांसफॉर्म को हम लिखते हैं फ्यूमैरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड फ्यूमैरिक एसिड आर, अब एग्जाम में सवाल, मैलिक एसिड एंड फ्यूमैरिक एसिड आर, बोलो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कौन से आइसोमर्स? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मैलिक एसिड इज द डैश ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ब्यूट टू इन 1.4 डायओइक एसिड सिस आइसोमर, याद रखना पड़ेगा, अपना कोटोड आप बना सकते हो, इसके लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि एम सी, इसके लिए सोच सकते हो आप एफ टी, है ना, ऐसे याद रख सकते हो, है ना, अंदर आप जो भी सोच रहे हो दिल में उससे मतलब नहीं है, ऐसे आप याद कर सकते हो इसको, मैलिक एसिड सिस फॉर्म, फ्यूमैरिक एसिड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो बच्चों ऐसे बनाने को तो मैं बहुत एग्जांपल दिखा सकता, जैसे एक ये सिनामिक एसिड का एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिनामिक एसिड, व्हाट इज सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड इज सी डबल बॉन्ड सी एच सी सिक्स एच फाइव और सी ओ एच एच, ये है अपना सिनामिक एसिड,
डेफिनेटली ये कौन सा फॉर्म बन गया, ट्रांस फॉर्म। इधर फिनाइल ग्रुप है, इधर एसिडिक ग्रुप है, वो तो चलो डिफरेंट है माना मैंने, पर एच की वजह से ट्रांस बोल सकते हैं इसको। सी डबल बॉन्ड सी एच एच सी ओ ओ एच सी सिक्स एच फाइव, और ये हो गया सिस फॉर्म ऑफ सिनामिक एसिड। तो इस तरह से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आपको क्लियर हो गया होगा। बस यही है कि किसी एक कार्बन पे दो ग्रुप सिमिलर ना हो जाएं, वरना खेल खत्म हो जाएगा। चलिए अब आपको मैं नए तरीके का जीआई दिखाता हूं बच्चों, एक नए तरीके का जीआई दिखाता हूं। मेरा सवाल है कि क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, क्या ये सारी कंडीशन जीआई की फुलफिल कर रहा है। पाई बॉन्ड से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, किसी भी कार्बन पे दो ग्रुप्स सिमिलर नहीं हैं, बट आपको यहां पे सिस ट्रांस नहीं दिखाई पड़ रहा। बच्चों ऐसे सिस्टम में जब सिस ट्रांस ना दिखाई पड़ रहा हो तब हम ई जेड नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, ई जेड नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल करेंगे, वेयर ई इज इक्विवेलेंट ऑफ ट्रांस फॉर्म, जेड इज इक्विवेलेंट ऑफ सिस फॉर्म। ई ट्रांस जैसा है, जेड सिस जैसा है। अभी समझाएंगे अंदर, और इनको हम इंटाजेजेन जूजा मैन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, बड़ा खूबसूरत नाम है, आप ई जेड याद रखोगे। अच्छा कैसे होगा सिस ट्रांस, यहां पे एक हमारे पास स्कीम है जिसको बोलते हैं सीआईपी स्कीम। स्कीम का मतलब ये नहीं कि हम आपको आके कुछ सुनाएंगे और पैसा आपका इन्वेस्ट कराएंगे। कान इन गोल्ड प्री लॉग स्कीम, नाम याद करने का जरूरत नहीं है, तीन साइंटिस्ट हैं। कान इन गोल्ड प्री लॉग स्कीम, ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं असाइन प्रायोरिटी टू बोथ ग्रुप्स ऑफ ईच कार्बन ऑफ पाई बॉन्ड। प्रायोरिटी असाइन करनी है बोथ ग्रुप्स को ऑफ ईच कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ। अब इसमें किताबों में बड़ी ही दुविधा चलती है, मैं बहुत सिंप्लीफाइड करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। किताबें कई एटॉमिक नंबर बोलती हैं, पर एटॉमिक वेट लेने से 100% सही आंसर आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर लेने में दिक्कत होगी जब आइसोटोप आएगा, तब मुझे बोलना पड़ेगा कि एटॉमिक वेट। छोड़ो, असाइन प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। चलो इस कार्बन के दोनों एटम को प्रायोरिटी देते हैं, इन दोनों में से एटॉमिक वेट किसका ज्यादा है, इसका, तो इसको मैंने प्रायोरिटी दे दी। इन दोनों में से एटॉमिक वेट किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का, इसको मैंने प्रायोरिटी दे दी। अगर दो सेम प्रायोरिटी मतलब हायर प्रायोरिटी, इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी इसको गई, इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी इसको गई, अगर दोनों सेम साइड में हो जाए तो बच्चों सिस यानी कि जेड, और दोनों अपोजिट साइड में हो जाए तो बच्चों ट्रांस, एफ बी आर आई सी एल। इन दोनों में हायर प्रायोरिटी इसको, इन दोनों में हायर प्रायोरिटी इसको, हायर प्रायोरिटी वाली अपोजिट साइड्स, तो ट्रांस, और ट्रांस के लिए लिख दो ई। सिस ट्रांस नहीं यूज करते, सिस ट्रांस बेसिकली अपना वहां था जब कम से कम कोई दो तो सिमिलर दिख जाए इधर इधर, तो इसको ई जेड नॉमिन क्लेचर से हम देखते हैं। असाइन प्रायोरिटी तो अभी और अंदर समझाएंगे इसको, अभी सिर्फ इतना लिखो, ईच का ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड तो सिस तो जेड, हायर प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड तो ई। एक कार्बन के दो ग्रुप में से प्रायोरिटी, एक कार्बन के दो ग्रुप में से प्रायोरिटी। क्लियर है, क्लियर है, मिटा रहे, अभी और अंदर चलेगा ये रूल। अच्छा तो सर यहां तक तो हमें समझ में आ गया, अब देखो अगला एग्जांपल एक आसान सा कराऊं, फर्जी टाइम पास वाला, ओ एच एन एच टू सी एच थ्री एच, बहुत हलवा। इन दोनों में से प्रायोरिटी देनी है, जो एटम कार्बन से जुड़ा है उसको प्रायोरिटी देते हैं,
तो कार्बन से जुड़ा है ऑक्सीजन, कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजन, एटॉमिक वेट किसका ज्यादा, ऑक्सीजन का, तो इसको प्रायोरिटी मिली। यहां कार्बन से जुड़ा है कार्बन, कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन में एटॉमिक वेट कार्बन का ज्यादा, इसको मिली प्रायोरिटी। दो प्रायोरिटी वाले सेम साइड, तो सिस और सिस के लिए लिख देंगे जेड। क्लियर है? बढ़िया सवाल तब बनता है जब मैं आपको ऐसा सवाल दूं, सी डबल बॉन्ड सी ओ एच ओ सी एच थ्री एन एच टू एन सी एच थ्री सी एच थ्री। मान लीजिए मैं आपको ये सवाल दे दूं। अब सवाल में कुछ दम हुआ। अब भाई साहब इस कार्बन से एक तरफ ऑक्सीजन, दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन, इस कार्बन से एक तरफ नाइट्रोजन, दूसरी तरफ भी भाई साहब नाइट्रोजन। जब ऐसा हो जाए तो सीआईपी स्कीम आगे हमसे कहती है कि अगर एक एटम पे बात फंस जाए देन कंपेयर नेक्स्ट एटम, अगले एटम का कंपैरिजन स्टार्ट करो। ऑक्सीजन से जुड़ा कार्बन, ऑक्सीजन से जुड़ा कार्बन, प्रायोरिटी सेम। अब इससे जुड़ा है हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन से पहले कौन जुड़ा है, कार्बन, तो इन दोनों में प्रायोरिटी, एटॉमिक वेट किसका ज्यादा, इसका। तो इसे कार्बन से नाइट्रोजन, कार्बन से नाइट्रोजन सेम, नाइट्रोजन से जुड़े हैं दो हाइड्रोजन यहां पे कचक कचक, और यहां नाइट्रोजन से दो कार्बन जुड़े हैं, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट हाइड्रोजन से ज्यादा। तो ये हमारा सिस यानी कि जेड। क्लियर है? सेम एटम में कहानी फंस जाए तो भैया लुकआउट फॉर, लुकआउट फॉर अनदर एटम, नेक्स्ट एटम, अनदर एटम यानी नेक्स्ट एटम। अच्छा जरा और देखते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी एच टू, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ओ एच ओ ओ सी एच थ्री, चलो ओ सी एच थ्री। अब बात आई कि ये सिस है या ट्रांस, ई है या जेड। इस तरफ तो आप प्रायोरिटी समझ गए हो, इस ग्रुप को देनी पड़ेगी, इनके पास एक कार्बन है, इनके पास सीधा हाइड्रोजन है, तो इस तरफ की तो प्रायोरिटी अपनी क्लियर हो गई। इस तरफ की बात करें तो दिक्कत है भाई, कार्बन से जुड़ा, कार्बन से जुड़ा सही, कार्बन किससे जुड़ा है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ कार्बन कार्बन से जुड़ा है, अब क्या करें? तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कैसे डील करना है सीखिए। अगर सी डबल बॉन्ड सी है तो इसको आप समझोगे सी से एक सी यहाँ, एक सी यहाँ। अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो इसको आप समझोगे एक सिंगल बॉन्ड सी बना रहे, दो दो डबल बॉन्ड दो है ना, मतलब दो पाई बॉन्ड, दोनों को हटा लो ऐसे, इस बॉन्ड को उठाया एक सी लगाया, या एक को उठाया एक सी, दूसरे को उठाया दूसरा। जैसे सी डबल बॉन्ड ओ है तो उसको आप ऐसे समझोगे सी ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है तो उसको आप ऐसे समझोगे सी एन एन एन। अब क्लियर हो गया होगा आपको क्या करना है, यानी इसका मतलब इस बॉन्ड को हटाइए और यहां पे एक कार्बन लगा लीजिए, इसका मतलब इस बॉन्ड को हटाइए एक कार्बन, इस बॉन्ड को हटाइए एक कार्बन। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक कार्बन एक कार्बन, इस कार्बन से एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, तो ये जीत गया, इससे तीन कार्बन जुड़े हैं, इससे एक हाइड्रोजन फंस गया जिसका एटॉमिक वेट कम, तो ये हो गया मेरा हायर प्रायोरिटी, सेम साइड हायर प्रायोरिटी जेड आइसोमर। क्लियर हुआ? नोट कर लें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कैसे डील करना है, बहुत आसान है, ये सब हलवा चीजें हैं। हो गया है? बहुत बढ़िया, चलिए इसको मिटाता हूं मैं। ओके, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डील करना आपको आ गया, बहुत बढ़िया। एक और चीज आपको इसमें मिलेगी सीआईपी में, सी डबल बॉन्ड सी एच टी डी एच, मान लो ये मिला, हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। तो भैया आपको पता है आइसोटोप्स में एटॉमिक वेट का डिफरेंस होता है,
ट्रिटियम का एटॉमिक वेट ड्यूटेरियम से ज्यादा, ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज्यादा, यहाँ हायर प्रायोरिटी इसको, यहाँ हायर प्रायोरिटी इसको, हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड में ई आइसोमर। क्लियर है? ई जेड नॉमिनक्लेचर आपको समझ में आ गया? ई जेड नॉमिनक्लेचर आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया भाई, पक्का आ गया, बहुत बढ़िया। चलो मान लो हमें ये कंपाउंड बना के दिया, हमसे बोला बताओ कहां पे ई है कहां पे जेड है। आप समझ रहे हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाई है, हाइड्रोजन दिखाया नहीं जाता इसमें। तो अगर आप इस डबल बॉन्ड के अबाउट देखो, इसका नेम लिखने को दे देगा, एक दो तीन चार पांच छह कार्बन है ना, तो आपको नेम लिखने को दे देगा, आपसे बोल देगा 1 2 2 E 3 4 4 E hex 2 comma 4 diene। आपको बोलेगा इसका नाम क्या, ये है 1 2 3 4 5 6 या 2 E comma 4 Z hex 2 comma 4 diene या 2 Z comma 4 Z hex 2 comma 4 diene या लास्ट ऑप्शन दे देगा बोलो 2 Z comma 4 E hex 2 comma 4 diene। वो आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा, ठीक है, या बीच में कहीं लिख देगा या लास्ट में लिख देगा, है ना, आपको डिसाइड करना है क्या कहानी है। 1 2 3 4 5 6 अच्छा दो सही हो जाएंगे, कोई इधर से काउंट करेगा, कोई बच्चा इधर से काउंट करेगा, खैर चलो देखते हैं, है ना। तो हो सकता है इसमें से कोई दो ऑप्शन सही निकल जाए, मैं एक काम करता हूँ इसको चेंज करके 2 Z एक ऑप्शन हटा देता हूँ, इससे कन्फ्यूजिंग वाला। अब सही है, अब सही है, आ जाओ। तो अब इसकी हमको नेमिंग किधर से भी नंबरिंग कर लो, चलो इस तरफ से करें उस तरफ से करें, 1 2 3 4 5 6 इस कार्बन पे आओ, इसके एक तरफ कार्बन जुड़ा है और डेफिनेटली दूसरी तरफ जुड़ा होगा हाइड्रोजन। इस कार्बन पे आओ, एक तरफ कार्बन का ग्रुप जुड़ा है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन, यानी हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स अपोजिट साइड है, दिखाई पड़ रहा है, और लोअर प्रायोरिटी वाले भी अपोजिट साइड। देखो ये कार्बन का ग्रुप कार्बन अपोजिट साइड, मतलब ये हो गया ई ट्रांस। यहां पे आओ, ये कार्बन, ये कार्बन की चेन इधर, कार्बन की चेन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, मतलब सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड, तो ये हो गया जेड। तो हम बोलेंगे कि 2 पे है 2 कॉमा 3 पे ई है या 2 पे बोल दो ई और 4 पे है जेड, या कोई बच्चा हो सकता है इधर से काउंट कर रहा होता तो उसके हिसाब से ये 2 बनता, तो वो बोलता 2 पे जेड और 4 पे ई, तो वो भी सही था, एक ही ऑप्शन है इस टाइप का 2E comma 4Z। समझ में आ गया? आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते थे, इसलिए मैंने एक ऑप्शन हटा दिया, अगर वो होता तो मल्टीपल करेक्ट, दोनों ही सही हो जाते हैं, ठीक है, वरना कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह लगा देते हैं जिससे डिसाइड होता कि नंबरिंग एक्चुअल में किधर से करनी है। क्लियर है? क्लियर है ई जेड आपको? क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो ई जेड के बाद आइए देखते हैं जी आई अबाउट सी डबल बॉन्ड एन, और साथ में ये भी देख लेते हैं एन डबल बॉन्ड एन, क्या इसमें जी आई होगी? बिल्कुल, पाई बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो जी आई होगा। मैं एक कंपाउंड आपको बना के दे रहा हूं, वो भी रिएक्शन के साथ बनाऊंगा एकदम प्यार से, CH CH3 डबल बॉन्ड O, ये एक एल्डिहाइड है, किसी को कोई डाउट इस पे नहीं? इसका रिएक्शन NH2OH से मैंने करा दिया, हाइड्रोऑक्सिल अमीन, सब पढ़ना है क्लास 12th में। यहां से वाटर एलिमिनेट हो गया, यहां पे हम एक बेस लगा देंगे, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया -H2O। आपको रिएक्शन से मतलब नहीं, आपको कंपाउंड देखना है एंड में, कंपाउंड बन के आएगा CH CH3 डबल बॉन्ड N, देखो यहां से H2O निकल गया, डबल बॉन्ड N OH, या आप ऐसे लिख लो भी डबल बॉन्ड N OH। चलो
ये है हाइड्रोक्सिल अमीन, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, और ये है एल्डिहाइड। तो हाइड्रोक्सिल अमीन और एल्डिहाइड मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एल्डोऑक्साइन, एल्डोऑक्साइन सी डबल बॉन्ड एन। अब देखो एन की प्रॉब्लम है कि एन का वैलेंसी होता है तीन, एक दो तीन, तो कोई दूसरा ग्रुप तो नहीं है इसके पास, तो कैसे जी आई दिखाए? जरा ध्यान देना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH CH3 डबल बॉन्ड एन, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी तो बचा होता है, तो ये मैंने बनाया लोन पेयर और ये लगाया OH। अब सवाल उठता है क्या लोन पेयर को ग्रुप की तरह ले सकते हैं? ले सकते हैं। अब सुनो GI की नई डेफिनेशन, GI का मतलब है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डिफरेंट ग्रुप नहीं चाहिए थे अपने को कार्बन पे, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए थी हर कार्बन पे या हर एटम पे, इन दोनों पे जो पाई बॉन्ड वाले एटम हैं जिनके अबाउट कहानी हो रही है उन पे डिफरेंट ग्रुप हो, ये कोई नेसेसिटी नहीं, नेसेसिटी है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। आप देखो इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग है ना, तो ये आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, माफ करना मुझे। अच्छा तो अब सर इसको हम कैसे पकड़े, इसमें ईजेड करें, हायर प्रायोरिटी किसको? इसमें ईजेड नहीं होता, इसमें नया नाम पड़ता है सिन एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस, ईजेड और सिन एंटी। सिन सिस के जैसा होता है, एंटी ट्रांस के जैसा होता है। अब यहां का एक फिक्स नियम है, एल्डो ऑक्साइम्स का एक फिक्स्ड नियम है कि H और OH को देखो, अगर H और OH अपोजिट साइड तो बोल दो एंटी एल्डो ऑक्साइम, और यदि H और OH सेम साइड तो बोल दो सिन एल्डो ऑक्साइम। H और OH को देखना कैसे बनता है एल्डोक्साइम, मैंने दिखा दिया एल्डिहाइड से ही बनेगा, क्लियर है? लोन पेयर से नहीं देखना है, एच और ओ एच की पोजीशन देखनी है। अच्छा मान लो मैं यहां पर इसकी जगह ग्रुप ले लूं C6H5, तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजीन और एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड हो गया, तो ये बनेगा C6H5 बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजेल्डो ऑक्साइम नाम पड़ जाएगा, एल्डो ऑक्साइम है बेंजेल्डो ऑक्साइम, तो ये बनेगा C6H5 क्यों बना रहा हूं, किताबों में एग्जांपल बहुत दे रहा है तो मैं बना दिया। ये हो गया एंटी बेंजेल्डो ऑक्साइम, वो हो गया सिन बेंजेल्डो ऑक्साइम, ठीक है? कई बार किताब में ऐसे बना रहेगा भैया, है ना, बेंजीन का रिंग जैसे बनाते हैं ऐसे, कंसेप्ट आप समझ रहे हो कि एक एल्डिहाइड लेना है, हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन और बनेगा एल्डिहाइड। एच ओ एच अपोजिट साइड तो एंटी, सेम साइड तो एच सिन, क्लियर है? सिन है सिस जैसा, एंटी वैसे भी सुनने में लग रहा है अपोजिट, तो ट्रांस जैसा। अच्छा मिटा रूं, सिन एल्डोक्साइम एंटी एल्डोक्सॉन, बेंजल्डोक्साइम भी दिखा दिया। अब मान लो हम कीटो ऑक्साइम्स बनाना चाहें, ये तो एल्डिहाइड से बनाता, तो एल्डो ऑक्साइम, मान लो हम कीटो ऑक्साइम बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें हम कीटो ऑक्साइम बनाना चाहें, हम कीटो ऑक्साइम बनाए, मान लो यहां पे मैंने ले लिया CH3, यहां ले लिया CH3, तो बच्चों ये कीटोन हो गया, तो यहां पे भी आ जाएगा CH3 CH3, तो पहली बात तो कि ये कंपाउंड तो GI शो नहीं करेगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि कार्बन के इधर और इधर सेम ग्रुप लगे हैं, तो एसीटोन से तो उम्मीद मत करो, ये एसीटोन है ना, एक दो तीन प्रोपेनोन, तो प्रोपेनोन से तो उम्मीद मत करो जीआई की इस केस में, जरा ग्रुप चेंज करें तो शायद काम बन जाए। मान लो यहां पे हम ले लें C2H5, तब शायद काम बन जाए,
यहां पे भी आ जाएगा C2H5, अब शायद काम बन सकता है। अब अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये बच्चों बनता है कीटो ऑक्साइम, कीटोन से ऑक्साइम बना कीटो ऑक्साइम, सो C2H5 कच्चा कुचुका रे टू डबल बॉन्ड एन लोन पेयर OH, और दूसरा C डबल बॉन्ड C लोन पेयर OH, ऊपर लगा लेते हैं CH3, इस तरफ लगा लेते हैं C2, ऊपर नीचे है नहीं सब प्लेन में है पढ़ते पढ़ते लगता है ऊपर नीचे है सब प्लेन, याद है स्टार्टिंग से प्लेन में, इधर CH3 इधर C2H5 OH, इधर OH और इधर लोन पेयर, सब एक प्लेन, सब प्लेन के अंदर ऐसे ऐसे ऐसे, ये दो ग्रुप ऐसे लगे, ये दो ग्रुप ऐसे लगे। अच्छा वापस आते, अब बच्चों यहां पे एच भी नहीं बचा भाई, सिन एंटी का कहानी हमने क्या बोल दिया था कि एच और OH को देख लो, तो ये चीज एल्डो ऑक्साइम में ट्रू थी, क्योंकि एल्डो ऑक्साइम में भाई एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब एक तरफ हाइड्रोजन, कीटोन में तो ऐसा कुछ नहीं है, अब क्या करें प्रायोरिटी दें। अब इन्होंने कीटो ऑक्साइम के लिए रूल बनाया कि भाई साहब सिन लिखकर जिस ग्रुप का नाम पहले लिखोगे उसको OH से माना जाएगा सिन में है, या एंटी लिखकर जिस ग्रुप का नाम पहले लिखोगे उसको माना जाएगा OH के साथ एंटी में है। जैसे समझो इसका नाम मैं लिखूंगा सिन, OH के साथ सिन में कौन है इस टाइम, मिथाइल, सिन मिथाइल, अब अगला ग्रुप इथाइल कीटो ऑक्साइम, ठीक, इसका एक कौन नाम लिख सकते हो OH के साथ एंटी में कौन है इथाइल, तो इसका एक नाम और हो सकता है एंटी, किसके रिस्पेक्ट में देखना है OH के रिस्पेक्ट में कौन है इथाइल, एंटी इथाइल, इसके बाद लिखो मिथाइल कीटो ऑक्साइम। जैसे इसका नाम क्या लिखेंगे आप, GI तो है ना, चार ग्रुप डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे OH के साथ सिन में कौन है इथाइल, तो नाम पड़ेगा सिन इथाइल, उसके बाद लिखो मिथाइल और उसके बाद कीटो ऑक्साइम। OH के साथ एंटी ऐसे भी लिख सकते हैं एंटी, अब OH के साथ एंटी में कौन है मिथाइल, उसके बाद लिखेंगे इथाइल और फिर कीटो ऑक्साइम, मतलब कीटो ऑक्साइम में सिन एंटी किसी को भी बोल सकते हैं, जैसे ये सिन मिथाइल कंपाउंड है ये एंटी मिथाइल कंपाउंड है, कह सकते हैं सिन मिथाइल OH के रिस्पेक्ट में मिथाइल सिन पे है, एंटी मिथाइल OH के रिस्पेक्ट में मिथाइल एंटी पे है, और इसका उल्टा सीधा समझ गए होगे अब तक आप, इसको हम एंटी इथाइल इसको हम सिन इथाइल, क्लियर है, मतलब सिन के साथ वो ग्रुप लिखना जो OH के साथ सिन में, या एंटी के साथ वो ग्रुप लिखना जो OH के रिस्पेक्ट में देखना है भाई साहब OH, और एल्डो ऑक्साइम है तो HOH को देखो, HOH सेम साइड तो सिन अपोजिट साइड तो एंटी, कितना परसेंट क्लियर हुआ 100%, बहुत बढ़िया। तो ये बात थी बच्चों सी डबल बॉन्ड एन की, सी डबल बॉन्ड में एक एल्डो ऑक्साइम मिला एक कीटो ऑक्साइम, एक बार HOH सेम साइड तो सिन अपोजिट साइड तो एंटी, एक तार OH के रिस्पेक्ट में चाहे सिन लिखो चाहे एंटी, ग्रुप सही लिखना। अच्छा चलो इसका नाम बताओ, इसी बात पे ऐसे मैं आपको नहीं जाने दूंगा, सी डबल बॉन्ड एन लोन पेयर OH, और यहां मान लो मेरे पास फिनाइल ग्रुप है और यहां मान लो मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, इसका सिन नाम भी बताओ और इसका एंटी नाम भी बताओ, दोनों बताओ, इसे हम बोलेंगे सिन मिथाइल और दूसरा ग्रुप कौन है फिनाइल कीटो ऑक्साइम, और एंटी में बोले तो OH के साथ एंटी में फिनाइल, इसके बाद ले देंगे मिथाइल और साथ में लगा देंगे कीटो ऑक्साइम, क्लियर हो गया। इसका दूसरा आइसोमर, इसका GI बनाने को बोले तो बना दोगे, ये GI हो गया, सब उल्टा हो जाएगा, इसमें सिन फिनाइल हो जाएगा और एंटी में मिथाइल हो जाएगा, मिटा दें बच्चों। ओके तो लास्ट अपने पास आया N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N को बच्चों हम लोग अजो ग्रुप कहते हैं केमिस्ट्री पे, अजो N डबल बॉन्ड N, इस N पे एक लोन पेयर, इस N पे एक लोन पेयर, इधर मान लो लगा है CH3, इधर लगा है CH3, तो ये हमारा हो गया सिन,
और ये हमारा हो जाएगा एंटी। क्लियर। कई बार क्या करता है, किताब में लोन पेयर दिखाता ही नहीं है, ऐसे बना देता है, तो आप समझ जाना कि दो ग्रुप सेम साइड तो सेम। और ये मत सोचना कि इस नाइट्रोजन पे एक ही ग्रुप है, नहीं दो ग्रुप है। कई बार किताब में ना ऐसे बना देता है, देखो ऐसे, और तो क्या इसका अच्छा समझ तो गए होगे, ये कौन सा कंपाउंड है सिन और ये कौन सा एंटाई। पर इसका मतलब ये नहीं कि नाइट्रोजन पे एक ही एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप दिखाया नहीं, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, इधर लोन पेयर, इधर। इसको हम बोलते हैं सिन अजो बेंजीन, सिन अजो बेंजीन, और इसको बोलते हैं एंटी अजो बेंजीन। तो अजो की कहानी भी क्लियर हो गई। तो यहां पे हम आज का लेक्चर रोक रहे हैं, अभी जीआई खत्म नहीं, अभी जीआई शुरू हुआ है। इसके बाद हम साइक्लिक कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अलीन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आज के लिए इतना ही, इसको आप रिवाइज करें, पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।